नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉजिटेक के माउस के बारे में। जो कि गाइस, जैसे कि मैंने एक फ्लिपकार्ट का वायरलेस मंगा रखा है, जो इसका प्राइस सेगमेंट है ये 400-500 रुपये में मिल जाता है, और इसे लमसम 1.5 साल हो गया मेरे पास फ्लिपकार्ट के माउस को, फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब आगे कुछ प्रॉब्लम कर जाता है, जैसे कि इसका कभी एरो नहीं घूमता, फिर मैंने एक बार बैटरी भी चेंज की, ड्यूरासेल का सेल चलाता हूँ तो मुझे लगता नहीं उससे अच्छा है। फिर कभी कभी वायर वाले माउस की भी जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि गाइस ये जो है M100R है, और लॉजिटेक का जो इसका प्राइस सेगमेंट लिखा हुआ है 495 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन मुझे फ्लिपकार्ट पे 405 रुपये का मिल गया था। और बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो क्या इस लॉजिटेक का मतलब ज्यादातर सामान अच्छे ही होते हैं, बिल्ड क्वालिटी में थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ फ्लिपकार्ट वाली की, ये मुझे ही वायरलेस वाला इतने सस्ता पड़ गया, लेकिन इसका वायरलेस सस्ता नहीं पड़ता, 700-800-900 रुपये तक आप खरीदेंगे मार्केट में तो पड़ेगा। और बात करें वायर क्वालिटी की यार, कितना टाइम, तो गाइस मैं ऑलरेडी मतलब इससे डिफरेंट है, वो दूसरी क्वालिटी का है तो वो यूज कर रहा हूँ, तो वायर कोई कटने की प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन गाइस इनमें प्रॉब्लम आती है मैक्सिमम, ज्यादातर में सभी में माउस में जो प्रॉब्लम आती है, क्लिक करना बंद कर देते हैं। जैसे कि क्लिक करेंगे तो कुछ और खुल जाएगा, या क्लिक करके उठाने की कोशिश करेंगे तो कुछ और चला जाएगा साथ में, या मिस हो जाएगा वो। तो इनके बस ये जो दबाने वाले होते हैं इनमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। अनदर गाइस बहुत अच्छी है, आप खरीदना चाह रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो जैसे कि इसे मैं अभी आपको पहले खोल के दिखा देता हूं, फिर मैं और डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों ये है माउस, और लेफ्ट एंड राइट एंड जो बीच वाला सर्कल है बहुत अच्छी तरीके से मूवमेंट करता है पूरा, और आप ये देखेंगे कि पीछे का एक स्क्रू दे रखा है, बाकी लेजर लाइट कैमरा, दैट मीन्स कि जो लाल लाइट निकलती है मूवमेंट अच्छा रहता है, शुरुआत में अच्छा वर्क करता है, और जो बीच में ग्रिपिंग दे रखी है बेस्ट दे रखी है, और अंगूठी के साइड इसकी आ जाती है सीरियल नंबर। बात करें वायर की तो अच्छा बैकअप दे रखा है, बट जो इसकी यूएसबी है वो थोड़ी सी डल लगती है कि लोकल है, लेकिन ओवरऑल एवरेज की बात करें बहुत ज़्यादा बेस्ट मिलता है। अनदर इस प्राइस सेगमेंट में इस कंपनी का मिल जाता है माउस, वही बहुत है। बाकी बात करते हैं वीडियो में। तो दोस्तों आपने देखा कि हाँ माउस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एंड केबल भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन अब बात करेंगे यार कितने टाइम तक चल जाता है। तो गाइस आप रेगुलर यूज कर रहे हैं तो आपका 1-1.5 साल बहुत ही आराम से खींच देंगे, और गाइस आप मतलब कि मैं 2 या 3 दिन में डेस्कटॉप को यूज करते हैं, वीकली यूज करते हो, या हफ्ते में, या कभी अर्जेंट काम है तभी यूज कर रहा हूँ, तो गाइस उसके लिए इस टाइप के माउस हमेशा वर्स्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन पे धूल डस्ट अंदर चली जाती है और ये क्लिक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो गाइस ओवरऑल व्यू बताऊं तो 10 में से मैं इसे 7 पॉइंट दूंगा, क्योंकि आप ब्रांडेड कंपनी है और उसके बाद इसके अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो गलत है। अदर गाइस आप खरीद सकते हैं, चीपेस्ट है, 400 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका डेस्कटॉप बहुत ज्यादा अच्छा और स्मूथली चलता है। बात करें पॉइंटर की मूवमेंट में कैसा है, मस्त मक्खन की तरह चलता है। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।